आलिया नहीं तो किसके साथ पहुंचे रणबीर मनाली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोरिका जेआर। दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल को अपने फैंस को खुशखबरी दी, एक बहुत बड़ी ट्रीट दी। दोनों शादी के बंधन में बन गए। लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम, एक हफ्ते बाद ही आलिया और रणबीर दोनों अलग अलग हो गए। जी हाँ दोस्तों, रणबीर अपने रास्ते, आलिया अपने रास्ते। ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, रणबीर कपूर फिलहाल मनाली पहुंच गए हैं और वो भी रश्मिका मंदाना के साथ। जी हाँ दोस्तों, मनाली में एनिमल का शूट उन्होंने शुरू कर दिया है। संदीप वांगा रेड्डी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और मनाली और इसके आसपास की खूबसूरत लोकेशंस पर फिलहाल इसे शूट करना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना के अलावा अनिल कपूर भी इस फिल्म का अहम हिस्सा होंगे। जब रणबीर और रश्मिका वहां पहुंचे तो पहाड़ी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पहाड़ी टोपी और शॉल पहना हुआ था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि आलिया भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू कर चुकी है। यानी कि शादी के कुछ दिनों बाद ही रणबीर और आलिया दोनों ने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, एनिमल फ्लोर पर आ चुकी है। मनाली में एक हफ्ते का शूटिंग शेड्यूल है। एनिमल में पहले रणबीर के साथ परिणीति चोपड़ा होने वाली थी, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने ये फिल्म छोड़ दी। इसका रीजन ये बताया गया कि परिणीति को इम्तियाज अली की फिल्म ऑफर हुई है और परिणीति ये बड़ा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एनिमल को छोड़ दिया। वहीं रश्मिका मंदाना इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने कहा है कि मैं तब से दुनिया को बताना चाहती थी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं और जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूं वो मेरे सपने जैसा है। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो 6 महीने के एक लंबे शेड्यूल में फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी जाएगी। पहले इस फिल्म को दशहरा 2022 में रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में ये फिल्म पोस्टपोन कर दी गई और अब 2023 में इसे रिलीज किया जाना है। एनिमल का निर्माण भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की टी सीरीज और मुराद खेतानी की सिने स्टूडियोज मिलकर कर रहे हैं। फिल्म जबरदस्त होने वाली है, ट्रेलर से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको रणबीर की एनिमल का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।